दोस्तों आज काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, जो 1000 वीडियोस का बाद है वो पूरा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाला है कि जब साइट पे टीएम आता है, ट्रांजिट मिक्सर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कंक्रीट को लाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम टीएम को यूज़ करते हैं, तो उसमें मेनली 6 M³ लाया जाता है। तो वो जब साइट पे पहुंचता है, एक सिविल इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काफ़ी टाइम बता चुका मैं आपको। सबसे पहले जैसे ही वो साइट पे पहुंचेगा, आपका टीएम जो है साइट पे पहुंच गया, कि जो डिटेल रहती है कि मिक्स किस हिसाब से है, उसका बिल वगैरह वो चेक करना होता है, बैच टाइमिंग चेक करनी है कि कब से कंक्रीट निकला है, कहीं आधे घंटे से ज़्यादा तो नहीं हो गया, और साइट पे जो स्लम्प वैल्यू है, मतलब जो जब कंक्रीट बनाया गया उसकी स्लम्प वैल्यू क्या आई थी, फिर आप साइट पे स्लम्प टेस्ट करते हो, टेम्परेचर देखते हो 32 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं है, फिर जो लैब टेक्नीशियन होता है वो अपना सैंपल लेता है कंक्रीट का क्यूब टेस्टिंग के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, तो उसमें सैंपल वो इकट्ठे करता है, जितना भी कंक्रीट होगा उस हिसाब से वो सैंपल लेता है, ये प्रोसेस रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है साइट पर। स्लम टेस्ट इसलिए किया जाता है, तो वर्केबिलिटी चेक की जाती है कंक्रीट की, कि जितना वाटर रेशियो, जितना पानी उसमें होना चाहिए था उतना है, कहीं एग्रीगेट ज़्यादा तो नहीं है, कहीं सैंड कम तो नहीं है, तो पूरी वर्केबिलिटी चेक की जाती है, उससे स्लम टेस्ट की हेल्प से वो पता किया जाता है। तो अलेवल स्लम कितना होना चाहिए, देखो अगर पंपेबल कंक्रीट है, मतलब बूम प्लेसर से वो डाला जा रहा है कंक्रीट, तो उसमें 200-250 तक वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है, मतलब 250 mm, लेकिन उससे ज़्यादा फिर एक्सेप्टेबल नहीं की जाती है। यहाँ सामने लिखा है 250 से 750 mm, ये कुछ गलत लिखा है, तो 250 mm तक एक्सेप्टेबल की जाती है, लेकिन अगर बूम प्लेसर से नहीं डाला जा रहा है, पंपेबल कंक्रीट नहीं है, तो उसकी 150-175 तक एक्सेप्टेबल होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं। तो प्लास्टिसाइजर वही हो गया, कंक्रीट को वर्केबल करने के लिए रखते हैं, मतलब कंक्रीट अगर आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया उसको यूज़ करते हुए, जहाँ उसको पहले दूर से लाना है, तो उसमें पानी की मात्रा कम करने के लिए, मतलब क्या हम प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो उसमें कम हो जाती है और उससे कंक्रीट वर्केबल रहता है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो जो अलाउबल टेम्परेचर होता है जैसे कंक्रीट साइड पे आता है, तो उसका कितना होना चाहिए, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो वो कंक्रीट अच्छा नहीं है काम के लिए, तो आपको वो चीज़ भी चेक करनी है। आपको कैसे पता चलता है कि जो कंक्रीट है उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो उसका एक दिखता कैसे है वो देखो, जो इनिशियल सेटिंग टाइम जब कंक्रीट का आता है तो उसमें पानी आपको दिखेगा नहीं, वो एकदम से थोड़ा स्टिफ होने लग पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि 30 मिनट बाद उसका इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम क्या रहता है, 600 मिनट या 10 घंटे उसका फाइनल सेटिंग टाइम रहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अगर 1 घंटा कंक्रीट हो चुका है उसको, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो वो कंक्रीट गर्म हो गया होगा क्योंकि उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई होती हैं, तो वो कंक्रीट आपको गर्म लगेगा काफ़ी ज़्यादा, और उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, जैसे जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम उसका जाता जाएगा, उसको आप हिलाओगे यूज़ करोगे, तो वो स्ट्रेंथ वैसे नहीं पकड़ पाएगा, उसकी बॉन्ड वैसी नहीं रहती। तो जो क्यूब्स होते हैं कंक्रीट क्यूब्स, उनको कितनी लेयर में भरा जाता है, तो इंडिया में उनको 3 लेयर में भरा जाता है, 150 बाई 150 mm का हम क्यूब यूज़ करते हैं, तो उसको उसी हिसाब से 3 लेयर में भरा जाता है, मतलब 50-50 की लेयर बनाई जाती है, और हर एक लेयर में 35 स्ट्रोक मारे जाते हैं। देखो ये सामने क्वेश्चन भी वही है कि कितने स्ट्रोक्स किए जाते हैं, मतलब उसको टैंपिंग की जाती है, उसकी वाइब्रेशन की जाती है, अगर जहाँ वाइब्रेशन टेबल हो वहाँ टैंपिंग नहीं करते, जहाँ टैंपिंग नहीं हो तो वहाँ टैंपिंग रॉड की हेल्प से करते हैं, और टैंपिंग रॉड का लेंथ और डाया कितना होता है, तो 16 mm की टैम्पिंग रॉड यूज़ की जाती है और 600 mm उसकी लेंथ होती है, ये प्रोसेस रहता है। क्यों, कंक्रीट क्यूब का साइज़ कितना होता है, इंडियन स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं 150 बाई 150 बाई 150 का। स्लम कोन जो रहता है उसका जो कोन रहता है उसकी क्या हाइट कितनी होती है, 300 mm, मतलब 30 cm होती है। टॉप कितना होता है, 100 mm या 10 cm होता है। बॉटम का 20 cm 200 mm होता है। तो कितने लेयर में स्लम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो ESTM जो कहता है वो कहता है 3 लेयर में, और इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि 4 लेयर में उसको किया जाता है। और स्लम टेस्ट में कितने स्ट्रोक हर लेयर में मारे जाते हैं इंडिया में, वो मारे जाते हैं 25, क्योंकि 100% हमें उसकी कंपैक्शन करनी होती है, तो वैसे ही 4 लेयर में भर रहे हो तो 25 25 25 100 हो गया, जैसे क्यूब भर रहे हो 3 लेयर में, तो 35 35 आपका 90 या 100 आपका हो जाता है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। इस PDF को आप जाके चैनल पर भी पढ़ सकते हो। थैंक